गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन सारी बातों को जान चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस यानी कि फलनों की संख्या पर कुछ फॉर्मूले को सीखेंगे, कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर ए और बी क्या हो, कोई दो फाइनाइट सेट, क्या हो, फाइनाइट से, इफ, जैसे कि है इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ए और बी क्या है, दो फाइनाइट सेट, और बी क्या है, दो फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर फाइनाइट होगा तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे कि ए के पास मान लीजिए m एलिमेंट है और बी के पास n एलिमेंट है। ए के पास कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट, और बी के पास कितना एलिमेंट है, n एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग बाबूरे जानते हैं कि ये भी फाइनाइट नंबर है और ये भी क्या है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे आपसे कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर पूछा जाए कि सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एन टू द पावर, क्या होता है फॉर्मूला, एन टू द पावर एन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब बी में जितना अवयव है उसमें क्या कर देंगे, हम लोग पावर चढ़ा देंगे, किस पर, ए पर चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इसी प्रकार आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम टू दी पावर, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो लास्ट में सेट है, ठीक है, वो नीचे रहेगा और जो पहले है वो पावर, उसका एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर रहेगा। जैसे कि इस पर अगर हमको क्वेश्चन करना, अभी हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस देखेंगे, क्या देखें, नंबर ऑफ फंक्शन, अभी हम लोग इसके बाद नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देखेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखेंगे, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि अगर ए और बी फाइनाइट है तो अगर कोई सेट वन वन, कोई फंक्शन अगर वन वन है तो उसमें एम और एन में क्या रिलेशन होगा, और ऑन टू है तब एम और एन में क्या रिलेशन होगा, है ना, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे कि इस पर एक क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे रहेगा, इफ ए इक्वल्स वन टू थ्री एंड बी इक्वल्स, ठीक है, पूछेगा देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना है, मतलब कुल फलनों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो अगर हमको निकालना हो तब हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बताइए, इस वाले का यूज करेंगे कि इस वाले का यूज करेंगे। देखिए सिंपल थॉट है, लास्ट में क्या है आपको, सेट बी है, पहले में क्या है आपको, सेट ए है, तो जो लास्ट में है वो नीचे रहेगा उसका नंबर, और जो पहले है उसका नंबर ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले यहां देखिए ए में कितना एलिमेंट है, ए में गिनिए कितना एलिमेंट है, एक दो तीन, टोटल कितना एलिमेंट है, तीन, और बी में कितना एलिमेंट है, पांच, ठीक है, ए में है तीन एलिमेंट और बी में कितना है, पांच एलिमेंट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, सेट बी में कितना एलिमेंट, देख
फॉर्मूला होता है, जो लास्ट में है वो नीचे रहेगा और जो पहले है वो ऊपर रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका कार्डिनलिटी कितना है? पांच है, तो पांच हो गया। और इसका कार्डिनलिटी कितना है? तीन है, तो कितना हो गया? पांच का पावर तीन, यानी कितना हो जाएगा? पांच का पावर तीन 125। यानी कि इस ए सेट से बी सेट में कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 125, यानी 125। यानी कि अगर नंबर ऑफ फंक्शन खाली पूछे आपसे, केवल फलनों की संख्या पूछे, तो आप क्या कीजिएगा? कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि एन टू द पावर ए। ठीक है, अच्छा आप बोलिएगा सर ये आप कैसे फॉर्मूला को हम लोग जान गए? ठीक है, तो फॉर्मूला को सीखने के लिए आपको 11th क्लास में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको जाकर के आपको जरूर देखना होगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकल रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग फर्स्ट लिखा कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट करने के लिए वीडियो को आप जरूर पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे कि क्या हो, आप आसानी से इसको उतार सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, ठीक है, तो या तो आप ऑफलाइन क्लास में आके देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं वन वन फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? वन वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग पढ़े होंगे कि अगर ए सेट से बी सेट में कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, तो वन वन कब होगा? जब ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए बी में क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, तो ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट इमेज हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कि ए में कम एलिमेंट होना चाहिए और बी में ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए में कम एलिमेंट और बी में ज्यादा एलिमेंट। यानी कि अगर हम लोग से कहें, सुनिएगा, पॉसिबिलिटीज क्या है कि ए के पास कम एलिमेंट हो और बी के पास क्या हो? ज्यादा एलिमेंट हो। अगर बी के पास कम एलिमेंट हो गया और ए के पास ज्यादा एलिमेंट हो गया, उस केस में वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। और जब वन वन फंक्शन नहीं होगा तो वहां पर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है ना कि फुल्ली हम लोग काउंटिंग सीख रहे हैं फंक्शन का, तो काउंटिंग सीखने के लिए हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। इसमें हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक होगा एनपीआर, इसका फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक होता है एनसीआर, इसका होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूला का हमको आवश्यकता होता है। अब फैक्टोरियल क्या होता है कि जीरो का फैक्टोरियल हो जाता है वन, वन का फैक्टोरियल हो जाता है वन, टू का फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन इक्वल्स टू, थ्री का फैक्टोरियल इक्वल्स थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि सिक्स। अब फोर का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कितना? 24। इसी प्रकार से आप लोग आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें वन वन फंक्शन की। किसकी बात करें? वन वन फंक्शन की। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए के पास कितना एलिमेंट है? एम एलिमेंट है, और बी के पास कितना एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है ना, मतलब सेट ए से सेट बी में जो वन वन फंक्शन की संख्या होगी, यानी कि एक एक पलनों की संख्या होगी, वो कैसे निकलेगा? ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग कि कैसे निकलता है। ठीक है, इसके लिए बाबू रे फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। ठीक है, कंडीशन है कि अगर आपके पास अगर m जो हो वो क्या हो? n से छोटा या बराबर हो। n से क्या हो? छोटा या
बराबर, यानी ए के पास जो एलिमेंट हो वो बी के एलिमेंट से या तो कम हो या बराबर हो, मतलब इसके पास कम ही एलिमेंट रहना चाहिए या बराबर एलिमेंट रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा ए के पास तब ए से बी में फंक्शन वो वन वन, फंक्शन क्या होगा वन वन, ठीक है। तो एम अगर एन से छोटा और बराबर है तो इसकी जो कार्डिनैलिटी हो जाएगी यानी कि सॉरी वन वन फंक्शन का जो नंबर हो जाएगा वो फॉर्मूला होता है एनपीएम, क्या होता है फॉर्मूला एनपीएम। एनपीएम का मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट को हम लोग एम वेज में सजा सकते हैं, एम वेज में सजा सकते हैं, जैसे कि अब ए के पास क्या है इसमें एम एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, और बी के पास कितना एलिमेंट है वन टू थ्री फोर एन, एन एलिमेंट है। अब एन ज्यादा है, एन क्या है ज्यादा है, ज्यादा है तो वन वन से मिल सकता है, टू से मिलेगा, अच्छा वन की पॉसिबिलिटीज कितने कितनों से मिलने की है, अब इस पर ध्यान दीजिए वन कितनों से मिल सकता है, अगर अलग अलग फंक्शन होगा नंबर ऑफ वन फंक्शन में अगर अलग अलग फंक्शन होगा तो वन कितनों से मिल सकता है, तो वन एन एलिमेंट में से किसी से मिल सकता है, वन किसे मिलेगा एन एलिमेंट में से किसी से मिल जाएगा, फिर टू किसे मिल जाएगा, तो अगर वन एन से मिल गया तो फिर एक कम जाएगा कि एक किसी ना किसी से मिला होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग अगर इस कॉन्सेप्ट को, चूंकि देखिए ये एनपीएम वगैरह जितना भी है ये सब क्या है आपका परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है जिसको अच्छे ढंग से सीखना होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं अगर एक अगर इसमें से इस एन एलिमेंट में से किसी से मिलेगा अगर सपोज है, ठीक है, तो वो एक ना एक जरूर मिलेगा, एक बार में एक एलिमेंट से वो जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर अगर एक अगर एन से मिल गया दो किससे मिलेगा एन माइनस वन से मिलेगा, तीन किससे मिलेगा एन माइनस टू से मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से लास्ट में क्या हो जाएगा एम माइनस एन प्लस एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे क्योंकि हमको सबको एक साथ करना होगा, क्या करना होगा एक साथ, तब कहेगा सर एक साथ करना है तो जोड़ क्यों नहीं रहे, तो एक प्रिंसिपल होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि अगर ये डिपेंडेंट वर्क हो, वर्क कैसा हो डिपेंडेंट हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको अभी अगर जो 11th क्लास अच्छे ढंग से पढ़े होंगे उसको ये रूल इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। हम लोगों का क्या मोटो है इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बनना चाहिए, ठीक है। इसको और डिटेल्स में जानने के लिए आप कमेंट कीजिए कि सर नहीं मुझे नंबर ऑफ कॉमन फंक्शन खूब अच्छे तरीके से सीखना है, मुझे जानना है कि ये ऐसा क्यों होता है, मुझे जानना है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं उसमें फिर वीडियो बना के आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्योंकि अभी आप लोगों को अगर आपका 11th क्लास बंक होगा तो आपको ये समझ में उतना सा तरीका से नहीं आएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि m का वैल्यू अगर n से क्या है छोटा है और बराबर है, यानी छोटा ज्यादा कम किस में एलिमेंट है a सेट में कम एलिमेंट है, यानी जिस सेट से डिफाइन हो रहा है जिस सेट से b सेट में जा रहा है उसमें कम एलिमेंट होगा तब क्या फॉर्मूला होगा np, क्या होगा फॉर्मूला np। और अगर आप सपोज देख लीजिए कि m अगर n से बड़ा है, m अगर n से क्या है बड़ा है यानी कि a सेट में ज्यादा एलिमेंट है, तो बाबूरे a सेट में अगर ज्यादा एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा अगर फंक्शन होगा तो फिर 1 1 नहीं होगा, फंक्शन होगा तो क्या होगा 1 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगले के पास अगर कम एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि a के पास 4 एलिमेंट है, ठीक, और b के पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, आपको फंक्शन होने के लिए इस सब को मिलाना होगा, मिला दिए आप फिर भी आपके पास क्या होगा एक एलिमेंट छूट गया, एक एलिमेंट क्या हो गया छूट गया, तो एक एलिमेंट अगर छूट गया तो ये फंक्शन होगा फंक्शन नहीं ना होगा। अगर आप किसी से मिला देते हैं मान लीजिए इसे मिला दिए तो फिर ये क्या हो जाएगा फंक्शन तो हो जाएगा लेकिन वन वन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा वन वन फंक्शन नहीं होगा, और जब वन वन फंक्शन नहीं होगा तो मैनी वन फंक्शन होगा, क्या होगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है। उस केस में अगर n m की वैल्यू n से ज्यादा हुई
यानी पहले सेट में बाद वाले सेट से ज्यादा एलिमेंट हुए तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि सर m का वैल्यू n के इक्वल हो गया तो उसके लिए बाबू रे यही फॉर्मूला हो जाएगा np। और जान लीजिए अगर np, अगर देख लीजिए अगर आपको np n लिखा हुआ है यानी दोनों ऊपर नीचे सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा n का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल, ये भी जान लीजिए आप लोग। अगर लिखा हुआ है np np n तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल। अगर nc n लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जैसे कि 11th की कुछ बातें हैं जो यहां पर हमको डायरेक्ट यूज हो रही है, ठीक है। अब जैसे वन वन फंक्शन का नंबर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर हम लोग को रहे, देखिए सिंपल क्वेश्चन एकदम रहेगा आप लोग को। और देखिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट जरूर कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इवन बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, वो सारों में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा वहां पर, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो वहां पर आपको दिक्कत 1% नहीं होगा इस फॉर्मूला को जान लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ए सेट है हम लोग के पास 1 2 3, ठीक है, बी सेट है हम लोग के पास 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपने पूछ दिया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, मतलब सेट ए से सेट बी में कितने वन वन फंक्शन होंगे, कितने वन वन फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ए सेट के पास कम एलिमेंट है कि ज्यादा एलिमेंट है, हो ए सेट के पास कितना एलिमेंट है पहले देखिए इसको, तो ए सेट के पास कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, बी सेट के पास कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 4। तो अब देख इसको, अब एक चीज देखो कि ए सेट के पास कॉम एलिमेंट है किससे, बी सेट से, ए सेट के पास क्या है कॉम एलिमेंट है, बी सेट से। और जब ए सेट के पास बी सेट से कॉम एलिमेंट है तो वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां लिखा हुआ देखिए m क्या है, n से छोटा है, यानी a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से कम है, तो उस केस में क्या होगा कि वन वन फंक्शन डिफाइन होगा। अब होगा कितना, तो देखिए देयरफोर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, हो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ये क्या सिंपल है कि अब देख यहां ये 3 है यहां ये 4 है, इसको हम m बोलेंगे इसको हम n बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज्यादा वालों को क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, इस केस में ज्यादा वालों को क्या बोलेंगे, n, अब कम वालों को क्या बोलेंगे, m। फॉर्मूला क्या है, np m, फॉर्मूला क्या है np m, कब, जब m का वैल्यू n से छोटा या बराबर हो, यानी कि a का कार्डिनलिटी b के कार्डिनलिटी से क्या है कम है, तो फॉर्मूला क्या यूज कर देंगे, np m, n का वैल्यू कितना है 4, n का वैल्यू कितना है 4 और m का वैल्यू कितना है 3। इतना ध्यान रखिएगा कि m जो है पहले वाले सेट का कार्डिनलिटी होगा और n जो है वो दूसरे वाले सेट का कार्डिनलिटी होगा, ठीक है, यानी क्या हो गया 4p3, क्या हो गया 4p3, तो 4p3 हो गया। अब 4p3 को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो npr का फॉर्मूला यहां आप लोग देख रहे हैं क्या है लिखा हुआ, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिख दीजिए इस तरह से और नीचे वाले में इसको इस तरह से घटा दीजिए, ठीक है। अब 4 का फैक्टोरियल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 और नीचे 4 में 3 जाएगा तो 1 का फैक्टोरियल, अब 4 दिए 12 दूना 24 से कहीं 24 और 1 का फैक्टोरियल 1 कितना आ गया 24, यानी कि ए से बी में एक एक फलनों की संख्या क्या हो जाएगी 20, क्या हो जाएगी 24। देखिए अभी क्या है कि हम लोग फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन को बना रहे हैं,
ठीक है। आप लोग इस पर जिस टाइप का क्वेश्चन भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो आप जरूर मैसेज किया कीजिए, ठीक है, उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन हम लोग सेट ए से सेट बी में निकाल लिए। अगर पूछा गया होता सेट बी से सेट ए में, इसे पूछा गया होता सेट बी से सेट ए में, तो उस केस में नंबर ऑफ कर्नल फंक्शन कितना होता। उस केस में हम देखते हैं कि बी के पास ज्यादा एलिमेंट है, ए के पास कम एलिमेंट है, यानी कि जिस सेट से डिफाइन हो रहा है फंक्शन उसमें अगर ज्यादा एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ कर्नल फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग वन वन फंक्शन सीख गए, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन सीख गए, वन वन फंक्शन का नंबर सीख गए। अगर इसमें कोई भी समस्या आपको होती है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें ऑन टू फंक्शन की, ठीक है, इस पर हम उसके बाद फॉर्मूला को एक जगह लिख करके फिर क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे इस पर, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर फंक्शन मान लीजिए ए से बी में है, किसमें है, ए से, ठीक है, अगर फंक्शन कहां है वो ए से बी में है, ठीक है, तो बी सेट का जो प्रत्येक अवयव होगा वो अगर ए सेट के किसी न किसी अवयव का अगर इमेज हो, मतलब बी सेट का प्रत्येक अवयव अगर ए सेट के किसी न किसी अवयव का अगर इमेज है तब क्या कहेंगे हम एफ को, ऑन टू फंक्शन, क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, यानी बी सेट का सब एलिमेंट ए सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, यानी कि ऑन टू फंक्शन वाले में क्या होगा कि बी सेट की जो बी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम या बराबर होंगे, तभी जाके वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इसके पास ज्यादा एलिमेंट हो गया, इसके पास कम एलिमेंट है, तो फिर क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि अगर बी के पास ज्यादा एलिमेंट हो और ए के पास कम एलिमेंट हो, ठीक है, तब वो वन वन हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं, ऑन टू नहीं होगा। अगर बी के पास कम एलिमेंट है, ए के पास ज्यादा एलिमेंट है, तब वन वन नहीं होगा लेकिन ऑन टू, यानी कि वेन यानी कि n जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो कार्डिनलिटी है तो 1 से होगा ही, बराबर हो, और m से क्या हो, छोटा हो, m से क्या हो, छोटा, m से क्या हो, तो उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, ठीक है। अभी आप जान लीजिए यहां पर a का कार्डिनलिटी कितना है, m है, अब a का कार्डिनलिटी कितना है, n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में जो ऑन टू फंक्शन होगा वो कितना होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। इसका फॉर्मूला बहुत ही थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या है, सो ठीक है, इसमें होता है समेशन का यूज होता है, आर के वैल्यू 1 से एन तक। अब एन क्या है, तो एन होगा जो कि बी की कार्डिनलिटी होगी, ठीक है, क्या होगी, कार्डिनलिटी, ठीक है, माइनस 1 का पावर एन माइनस आर
फिर एनसीआर, अब एनसीआर से आप लोग अवगत हैं, एनसीआर क्या होता है, कॉम्बिनेशन, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी लिखवा दिया है, इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे क्या होता है, और आर का पावर एन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका ऑन टू फंक्शन का, किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब अगर देखिए, अगर ये ज्यादा हो जाए, एन अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में यानी कि बाद वाले सेट के पास अगर ज्यादा एलिमेंट हो, बाद वाले सेट के पास ज्यादा एलिमेंट हो और ए वाले के पास कम एलिमेंट हो, तब उस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि वेन एम से एन इस तरह से है, ठीक है, एम क्या हो, एन से छोटा हो, यानी एन के पास ज्यादा एलिमेंट हो, तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अब बी के पास बाबू क्या है, ज्यादा एलिमेंट है, बी के पास क्या है, एलिमेंट ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर जीरो, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में पूरा एकदम फ्लुएंटली काम करेगा, ठीक है। इसको फर्स्टली आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, क्वेश्चन है, हेलो, ठीक है, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है, सिंपल। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए से सेट बी में क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है, ठीक है। मतलब ऑन टू फंक्शन कितना हो सकता है इस पर, है ना, मतलब कि अच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, क्योंकि ऑन टू को हिंदी में अच्छादक बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी टफ है समझने बात को। तो हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए की और बी की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, तो ए में कितने एलिमेंट है, वो चार, बी में कितने एलिमेंट है, तीन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अच्छा एक और चीज जान लीजिए, इसमें इसको हम एम बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एन बोलते हैं। अब इसको एम, इसको एन क्यों बोलते हैं, फॉर्मूला में हमको बना दिया फॉर्मूला एम और एन पर, ठीक है, तो जो बाद वाला सेट होगा उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, जो पहले वाला सेट होगा उसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। हियर एम क्या है, एन से बड़ा है, यानी कि हमने जो कंडीशन लिखा उस तरह से के कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तीन जो है वो कम होता है चार से, सबको पता है, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा फॉर्मूला को देखते हैं, क्या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में क्या है, अगर हमको क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है, ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन में क्या फॉर्मूला हम लिखे हैं, क्योंकि ऑन टू फंक्शन इसमें पॉसिबल होगा, क्योंकि बी के पास कम एलिमेंट है, यानी बाद वाले के पास कम एलिमेंट है और पहले वाले के पास ज्यादा एलिमेंट है, तो ऑन टू फंक्शन हो सकता है डिफाइन, ठीक है। तो फॉर्मूला है समेशन ओवर आर इक्वल्स वन टू एन माइनस वन का पावर एन माइनस आर एन सी आर और आर का पावर एम। अब सुनिए, एक बार जान लीजिए, आर का वैल्यू बदलेगा, यानी आर का वैल्यू वैरी करेगा, यानी आर का वैल्यू एक बार वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, इस तरह से कहां तक होगा, एन तक होगा, कहां तक होगा, एन तक। दूसरा बात, समेशन का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, एड होता है, क्या होता है,
एड, समेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे बाबूरे, तो सबसे पहले यहां पर माइनस वन का पावर, अब एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है देखिए, तो एन का वैल्यू इसमें तीन है, तो तीन ऊपर में चला गया। आर का वैल्यू क्या करेंगे, शुरुआत हम लोग एक से करेंगे, कहां से करेंगे शुरुआत, एक से, और एक खत्म कहां तक होगा, तीन तक खत्म होगा, कहां पर खत्म होगा, तीन पर, तीन पर ही क्यों खत्म होगा, तीन पर इसलिए खत्म होगा कि एन का वैल्यू कितना है, तीन। अब लिखेंगे एन की जगह तीन सी वन, वन का पावर, अब देखिए ये आर का वैल्यू तो वन रख दिए, ये एम का वैल्यू क्या थी रखिएगा, एम का वैल्यू, एन का वैल्यू चार रखिएगा, एम का वैल्यू कितना रखिएगा चार, इतना हो गया, एक बार पैटर्न बैठ गया, फिर बीच में क्या देंगे हम लोग प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस, अब क्या देंगे माइनस वन का पावर तीन माइनस दो थ्री सी टू, टू का पावर चार, आप बोलो सर टू कहां से रख दिए, रे आर के वैल्यू तो पहला बार में एक रखा, तो अब क्या रखेगा, आर का वैल्यू वन के बाद टू, फिर टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम लोग आगे जहां तक हम लोग को जाना है। फिर क्या होगा माइनस वन का पावर तीन माइनस तीन, और ये प्रोसेस कब रुकेगा, जब ये और ये क्या हो जाए समान हो जाए, ये अगर मान लो थ्री माइनस थ्री हो गया तो इसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे इसका एक जोड़ा बना लेते हैं तीन सी तीन और तीन का पावर चार, इतना लिख देंगे, इसके बाद हम लोग आगे फिर अब नहीं बढ़ेंगे, आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि पावर क्या है यहां पर तीन माइनस तीन, अगर मान लेते हैं कि चार आता तो चार माइनस चार तक जाते हैं, पांच आता तो पांच माइनस पांच तक जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब आपको पता है कि माइनस वन का पावर तीन माइनस एक कितना होगा, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए थ्री सी वन यानी थ्री का फैक्टोरियल अपॉन वन का फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी थ्री का फैक्टोरियल वन का फैक्टोरियल वन होता है, थ्री माइनस वन यानी टू का फैक्टोरियल, अब थ्री और टू है यहां पर, तो ऊपर में ज्यादा है कि कम है, तो ऊपर में ज्यादा है, ऊपर में क्या है तीन और दो में बड़ा कौन होता है, तीन होता है ना, तीन ज्यादा है, तीन को तोड़ेंगे तो आएगा तीन गुने दो का फैक्टोरियल, अब बट्टा में टू का फैक्टोरियल, इससे ही क्या हो गया कट गया, अब क्या सर एक कहां गया, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना रह जाएगा, कितना चला आया, कितना रह जाया गुने, अब एक का पावर चार निकलेगा तो कितना चला आएगा, अब माइनस वन का पावर वन है, थ्री सी टू का वैल्यू, थ्री सी टू का वैल्यू आप लोग निकालेगा इसी प्रकार से, तो आप लोगों को कितना चले आएगा, अगर थ्री सी टू का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपको आएगा कितना, तीन ही आएगा, कितना आएगा, और टू के पावर चार का वैल्यू आ जाएगा सोलह, फिर माइनस वन का पावर तीन माइनस तीन यानी कि जीरो, थ्री सी थ्री बताए यहां भी कि दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू वन हो जाएगा, और तीन के पावर चार का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्यासी, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर आएगा यहां पर आप लोग पुट कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए, जैसे आप निकाल कर देख सकते हैं थ्री माइनस फोर्टी एट प्लस एटी वन, थर्टी सिक्स, कितना चला आएगा, थर्टी सिक्स, ठीक है, ठीक है, कितना चला आएगा, थर्टी, तो थर्टी सिक्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे ए सेट से बी सेट से। अब इसी पर क्वेश्चन है कि इसी में सेकंड में नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए सबसे सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे देखो सेट ए के पास कितना एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, बी के पास कितना एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, हम तब भी बताए हैं और अब भी बताएंगे कि अगर बाद वाले के पास ज्यादा एलिमेंट है, बाद वाले के पास ज्यादा एलिमेंट है और पहले वाले के पास कम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा
अगर बाद वाले के पास ज्यादा एलिमेंट है, पहले वाले के पास कम एलिमेंट है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। वन वन फंक्शन का कर्नल टी बता दिए, ऑन टू फंक्शन बता दिए। अब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? देखिए इसको, वीडियो को अच्छे तरीके से पॉज करके इसको उतारिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है? और समझ समझ के, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, कभी भी जो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है, या फिर इसको बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, या नंबर ऑफ बाइजेक्शन निकालने के लिए, ठीक है? तो कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू कब होता है? जब दोनों सेट की, जिस दोनों से दो दो फाइनाइट सेट पर अगर डिफाइंड है, दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इफ ए इक्वल्स बी इक्वल्स एन, अगर ए का भी कार्डिनलिटी एन है, बी का भी कार्डिनलिटी कितना है, तभी जाके हम कहेंगे कि इस पर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे कि वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए और बी में डिफरेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू में भी डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पर भी डिफाइंड होगा। लेकिन वन वन और ऑन टू होने के लिए दोनों की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, मान लीजिए ए में ज्यादा एलिमेंट है, बी में कम एलिमेंट है, तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कितना होगा? तो उस केस में, चूंकि दोनों में बराबर एलिमेंट नहीं है, उस केस में नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कहा जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ वन वन और ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू नहीं, वन वन एंड ऑन टू तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वन वन और ऑन टू कह दिया तो फिर दोनों फंक्शन को, वन वन को भी निकालेंगे, ऑन टू को भी निकालेंगे, दोनों को एड कर देंगे, ठीक है? तो वो अलग कंडीशन है, ठीक है? अभी हम लोग को वन वन एंड ऑन टू देखना है, ठीक है? सबसे पहले समझिए कि अगर दो सेट जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ, पहले वन वन फंक्शन क्या होगा? ये हो जाएगा डायरेक्ट है, क्योंकि ए से तो बी सेट सेम है, तो ए से बी में कहिए चाहे बी से ए में कहिए, जब भी अगर दो इक्वल सेट है तो वो कभी भी नहीं कहेगा ए सेट से बी सेट में, डायरेक्ट वहां पर बोलेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? एन का फैक्टोरियल। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर कहे तो ये भी हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, ठीक है? अगर कहे नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, तो वो भी कितना हो जाएगा? एन का फैक्टोरियल। मतलब तीनों कंडीशन में अगर ए और बी समान है, यानी ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, मतलब ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो उस केस में नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बोलिए, ऑन टू फंक्शन बोलिए, चाहे वन वन एंड ऑन टू बोलिए, सबका नंबर यानी सबका संख्या समान होगा, और कितना होगा? एन का फैक्टोरियल, ठीक है? और दो इक्वल सेट पर ही वन वन एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइंड होता है, ये बात एकदम जान लीजिए, ठीक है? हाँ, वन वन हो जाएगा डिफाइंड, अगर कम बेसी है तो वन वन हो जाएगा, चाहे ऑन टू हो जाएगा, अब वो भी कि अगर ए के पास कम है बी के पास ज्यादा है तभी वन वन डिफाइंड होगा, बी के पास कम है ए के पास ज्यादा है तभी ए से बी में वन टू डिफाइंड होगा। लेकिन वन वन एंड ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हुआ
तो फिर उस पर 1112 फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और उस केस में क्या होगा कि वह नंबर ऑफ 1112 फंक्शन जीरो हो जाएगा। इस पर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पर जो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग करके देखिएगा अपने घर पर, ठीक है। इसको आप लोग कीजिएगा घर पर करके देखिए, अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट में आंसर इसका कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ फर्स्ट 1 1 फंक्शन, दूसरा 1 2 फंक्शन फंक्शंस, तीसरा 1 1 एंड 1 2 फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ए सेट में अगर एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, 1 1 एंड 1 2 फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए। मतलब ए सेट पर डिफाइंड है फंक्शन, तो उस पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। इसको आप लोग घर से बना के देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर आप बताइएगा कि नहीं बना क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करें अगले क्लास में। मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। देखिए कितना मिनट का हुआ है, 45 मिनट का।